बॉलीवुड के टॉप कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए एक बेहद बुरी खबर आई है। दोनों के घर पर ये बुरी खबर पहुंची है कि कैसे मुसीबत में हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज़ के लिए पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और 2 साल से महामारी का सिलसिला ये चलता ही रहा है। ऐसे में रणबीर कपूर की परेशानी तो बड़ी है ही। अब इसी के बाद रणबीर कपूर की लेडी लव आलिया भट्ट की फिल्म को लेकर भी मुश्किल भरी खबर आई है। दरअसल गंगूबाई कठियावाड़ी की हम बात कर रहे हैं। इस फिल्म के मेकर्स को रोजाना 3 लाख का नुकसान हो रहा है। इतने दिन की शूटिंग अभी भी बाकी है और इसलिए परेशानी बड़ी है। दरअसल 3 दिन की शूटिंग ही रह गई और बैकग्राउंड गाना आलिया भट्ट पर फिल्माया जाना है, जिसकी शूटिंग नहीं होने पर लॉकडाउन बड़ी मुश्किल में डाल रहा है सभी को। मुश्किल ये बड़ी होती जा रही है। गंगूबाई कठियावाड़ी की शूटिंग 3 दिन की रह गई है, ये तो खबर आई। इसी के साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबर ये भी आई है कि 200 साल के वास्तविक इतिहास को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। कमाठीपुरा के 200 साल के वास्तविक इतिहास को ये इल्ज़ाम लगा। गंगूबाई की रिलीज से पहले कॉन्ट्रोवर्सी में संजय दत्त भंसाली पहले ही फंसे हैं, आलिया भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं। कमाठीपुरा के निवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला है ये फिल्म की कहानी। गलत तरीके से पेश की जा रही है, कहा जा रहा है। अजय देवगन के साथ आलिया भट्ट जो फिल्म में स्क्रीन प्ले करते नजर आ रहे हैं, स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं, जिसमें गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं अजय देवगन। अब उसकी शूटिंग तो अजय देवगन ने पूरी कर ली है। 30 जुलाई को सिनेमा घर में फिल्म रिलीज होने वाली है कहा जा रहा था, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ हो सकती है ये कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो माहौल बना हुआ है ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर रिलीज़ होगी तो भारी नुकसान फिल्म को सहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से राधे को लेकर उम्मीदें थी सभी को, वो उम्मीदें फिर से टूटी हैं। और इसीलिए अब जो इस बार राधे फिल्म को सबसे बुरा बताया गया है, आलिया और रणबीर के लिए परेशानी और बड़ी हो गई है उनकी फिल्मों के रिलीज से पहले, जो काफ़ी ट्रॉल भी हो रहे हैं नेपोटिज्म मामले को लेकर। बीते साल सुशांत के जाने के बाद से नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।